तो देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो इस वक्त असी पिंड चुंग जिहड़ा कि डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के पिंडा पिंड है, असी वह पिंड उतों के सबका सरपंच सरदार मिंगा सिंह जी, सामा सरदार मेवा सिंह जी, उन्होंने निवास स्थान पर इस वक्त असी उन्होंने नाल मौजूद हाँ। तो असी सरदार मिंगा सिंह जी को उन्होंने सरपंची के दौरान किए हुए कामों की जानकारी लवेंगे। तो उस तो इलावा जिड़ी कि 2022 की आ रही इलैक्शन आ उस संबंधी भी आप सवाल जवाब करा तो उन्होंने को पुछागे कि उन्हों का 2022 की इलैक्शन के संबंधित की विचार है। तो आओ हम थोड़े रूबरू कराने सरदार मिंगा सिंह जी ने पिंड चुंग तो जिड़े कि सबका सरपंच कांग्रेस वालों रह चुके हैं उन्होंने। हाँ जी सर, बहुत साडे नगर नाल निजी प्यार आ। जो भी असीं उन्हां जाणदे साडा बड़ा मान सत्कार हुंदा, सानूं वध तों वध ग्रांटां दे के उन्हां नवाजिया। हुण वी सानूं 15 लाख रुपया उन्हां फिर चैक देना दिहाड़ी डंग दे विच। पहलां वी सानूं 20 तों 22 लाख रुपया मिल चुका। साढ़े पिंड हुण भी काम चलन डिया, इंटरलॉकों दी गलियां बन रही जी, निकासी नाला बनूगा, सड़क का काम भी चल रहा जी। बाकी जिन्हें भी उन्हें पिंड साढ़े नाल वादे किए जी अपनी चोण दौरान, एक एक करके वादा पूरा हो रहा। शमशान घाट का वादा किया उन्होंने, वह भी पूरा होगा जी। धर्मशाला का कहा भी पूरा होगा। असं उन्होंने तहत तो धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सानू इन ग्रांटा और पिंड के काम करके नवाज दे। बाकी नगर पिंड चूंगा संगत असं बहुत धन्यवादी ऋणी हाँ जिन्होंने इस गरीब न नमाने दास में मेरी सरपंची वे बहुत वड्डा वोटां नूं फतवा दिता। असी तह दिनों मेरा सारा परिवार ही इस नगर का सदा ऋणी रहेगा। तो गांह भी आस करते हैं कि नगर साडा अपने परिवार वांगू साथ देगा तो सानू पिंड की सेवा करने का मौका देने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। अच्छा सरपंच साहब, जो तुसीं सरपंच बने सी जी उस टाइम तो अपनी जी शमशान घाट कंडीशन किदां दी सी? जी साडे पिंड शमशान घाट की कंडीशन जीरो सी, बिल्कुल बिल्कुल जीरो सी जी। खाली इदा मतलब रड़ा मैदान सी जी। तो वो जी चार दिवाली सी वो मैं अपनी सरपंची वाले अपने मैंबर के अपने जी जंग वाले मुंडे या क्लब वाले सुजोगना की आ। बाकी जिनी साढ़े पिंड की हूँ शमशान घर थड़ा बनया, फर्श पिया वा उत्ते होर चार दिवाली की आ, कुर्सियां लगियां। तो साढ़े पिंड नौजवान एन आई ए वीर जे सारे रल के सारे सेवा कर रहे हूँ भी जी हूँ। वेरी गुड, ये मतलब कि थोड़े कहने पर ही सारा काम हो रहा है? सारे जी एक पार्टी वर्क बन करके काम कर रहे, पार्टी वर्कर जी, पार्टी के सारे वर्कर ने काम कर रहे हैं। बिल्कुल एक टीम सब तो बेटर सानू पानी दा अनकाज है, पानी दा अनकाज। 100 बीमारियां साडे गरीब भरा उत्थे रहिंदे लागे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारा साडा उत्थे परिवार है जी। बहुत बीमारियां खसदा उत्थे, काला पीलिया जिदा हो गया जनारा वगैरह, 100 बीमारी मक्खी मच्छर जरूरी है। पैसे कठे करके ओरी माड़ी माड़ी बाउंड्री कीती, कुछ नहीं भरिया कुछ नहीं हो अपने स्कूल किन्ने ने पिंड दे दो स्कूल है जी, एक मिडल ते एक प्राइमरी, एक मिडल एक प्राइमरी। आंगनवाड़ी नहीं है सर? उहदे नाल ही एक आंगनवाड़ी सेंटर जी है अपनी सरपंची वाले नवी बिल्डिंग तैयार करके। ओदी बिल्डिंग अलग है? ओदी बिल्डिंग अलग है। ते ओ तुसी अपने टाइम ते ने बनाई थी सर अलग जी? ओ ही अपनी पंचायत वाली नवी बिल्डिंग बना के दित्ती हुई। वेरी गुड सर, मतलब कि ओ तुसी जिहड़ी आंगनवाड़ी दी बिल्डिंग आ ओ अपनी टर्म दे विच तुसी बनाई ला? जी सर, ओ ही अपनी टर्म विच बना के बिल्डिंग तैयार की। वेरी गुड। ते होर सर पिंड च कोई ग्राउंड? ग्राउंड है जी बच्चे ने खेलण वास्ते। पार्क? नहीं पार्क है नहीं जी। पार्क नहीं हैगी? नहीं हैगी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਸਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਟਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਟਣੀ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ